अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। फिल्म मिस लवली से अपना करियर शुरू करने वाली निहारिका सिंह इन दिनों चर्चा में आ गई हैं। इसकी वजह है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दरअसल आज नवाज की ऑटोबायोग्राफी एन ऑर्डिनरी लाइफ लॉन्च होने वाली है। इस किताब में नवाज ने अपने और निहारिका के रिलेशन के बारे में खुलकर बताया है। इस वजह से निहारिका नवाज से नाराज हैं और उनका कहना है कि वो अपनी किताब बेचने के लिए एक महिला का शोषण कर रहे हैं। नवाज और निहारिका की पहली मुलाकात मिस लवली के सेट पर हुई थी। नवाज ने कहा कि अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने निहारिका का इस्तेमाल किया। जाने कौन है निहारिका। 1982 में जन्मी निहारिका का बचपन कई हिल स्टेशन में बीता। निहारिका के पिता यूपी टूरिज्म में काम करते थे। निहारिका ने 17 साल की उम्र में मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। कॉमर्स की पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो कॉलेज बीच में ही छोड़कर मुंबई आ गई। निहारिका ने साल 2005 में फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया और मिस इंडिया अर्थ का टाइटल जीता था। इसके अलावा उन्हें मिस फोटोजेनिक और मिस ब्यूटीफुल हेयर का भी टाइटल मिला था। इसके बाद निहारिका ने कई टीवी एड्स और म्यूजिक वीडियो में काम किया। निहारिका ने टीवी रियलिटी शो बनूंगी मैं मिस इंडिया को होस्ट भी किया। निहारिका ने अपने शुरुआती दिनों में एक साथ 10 फिल्में साइन की थी जिनकी शूटिंग आज तक नहीं शुरू हुई। निहारिका ने मिस लवली के अलावा मुड़ के ना देख मुड़ के और प्राइवेट नंबर में काम किया है। बता दें कि नवाज ने अपनी किताब में निहारिका और अपने रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए हैं। निहारिका ने उन्हें अपने घर मटन खाने के लिए इनवाइट किया। मैं निहारिका के घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो घर की चकाचौंध देखकर हैरान था। मेरे पास तारीफ के लिए शब्द नहीं थे। मोमबत्तियों से इसे सजाया गया था। वो कहते हैं निहारिका ने सॉफ्ट फॉक्स फर पहना हुआ था जिसमें वह गॉर्जियस लग रही थी। उसकी खूबसूरती के आगे मोमबत्तियों की रोशनी फीकी लग रही थी और मैं ठहरा गाँव का रसिया आदमी। मैंने उसे बाहों में भरा और सीधे बेडरूम में ले गया। हम वहाँ पूरी तरह प्यार में डूब गए। इस तरह मेरा और निहारिका रिलेशनशिप शुरू हुआ। एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता था कि 1.5 साल में टूट जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।